बंसल रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मूली की बेसन वाली सब्जी बनाना बताएंगे। इसके लिए हमें चाहिए मूली, बेसन, जीरा, सरसों के दाने, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हींग और गरम मसाला। इसके लिए हम मूली को छीलकर और पत्ते के साथ बारीक काट लेंगे। हम मूला काट रहे हैं तब तक हम एक पैन लेंगे और उसमें बेसन को डालकर धीमी आंच पर सेक। हमने एक पैन में तेल डालकर उसको गर्म करने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम उसमें जीरा, राई और हींग डालेंगे। हमने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अब हम इसमें कटे हुए मूले और उसकी पत्ती डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएं। ये बेसन सिक रहा है। हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालकर इसको ढककर रख देंगे, जिससे कि मूला नरम हो जाए। बेसन सिककर तैयार हो चुका है और सब्जी भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें सिका हुआ बेसन डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर रख दीजिए। देखिए सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।